गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर की मैंने पूरी सीरीज बनाई है, तो आपको ये पूरी चैप्टर अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यहाँ फ्रेंड्स आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, तो आपको पूरी सीरीज अच्छी तरह दिखाई देगी। हमारी चैनल बच्चों फ्री ऑफ है, मतलब उसका कोई चार्जेबल नहीं है। और मैं बच्चों फ्यूचर के अंदर भी कोई भी चैनल बनाऊंगा तो उसके अंदर कोई चार्जेबल होगा नहीं, सारी चैनल बच्चों हमारी फ्री ऑफ है। अब यह प्रेस मैं वही बात करता हूँ। तो यह प्रेस हम बात करते हैं यहाँ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो आप प्रीवियस क्लासेस में करके ही आए हैं। तो आप ऐसी स्केल होती थी तो उसने अपने ड्राई हेयर के अंदर रबिंग करते थे और फिर इसको कागज़ के टुकड़ों के नज़दीक ले जाते थे तो कागज़ के टुकड़े इसको चिपक जाते थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम पहले वही बात करते हैं। तो आप ऐसा समझो कि ये आपकी स्केल है और ये जो स्केल है, और इस स्केल को मैं जूम कर देता हूँ। तो स्केल को मैं जूम करूँ नीचे तो आप देख सकते हैं। तो ये स्केल मैं जूम करूँ तो अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और जिसको आप बोलते हैं एटम। इसी एटम को और मैं जूम करके बता दूँ तो एटम को जूम करके दिखाओ तो एटम के बीच में आप पढ़ चुके हैं कि एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर की ऑर्बिट में, मतलब अलग अलग ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्विंग करते होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहे हैं। अब ये तो ये प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब ये हमारी ये स्केल है, जब स्केल को मैं रबिंग करता हूँ तो क्या होता है, तो स्केल पर से यहां जब कोई बॉडी को हम रबिंग करते हैं तो यहां आप देख सकते हैं जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पर इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा तो ये बाहर चले जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। पर जब यहां स्केल को हम रबिंग करते हैं विथ अवर ड्राई हेयर तो इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाते हैं। तो इसके पर से इलेक्ट्रॉन रबिंग करते इलेक्ट्रॉन चले जाते तो ये पॉजिटिव बन जाती स्केल हमारी। और यहां किसी के साथ रबिंग करो तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, प्रोटॉन का एक्सचेंज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है वो पॉजिटिव बनती है और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है वो नेगेटिव बनती है। तो यहाँ ऐसा ही होता है कि जब मैं इस स्केल को अपने ड्रायर के अंदर रबिंग करता हूँ तो हमारे जो ड्रायर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, मतलब ड्रायर पॉजिटिव बनते हैं और स्केल हमारी क्या बनती, नेगेटिव। अब यहाँ इसको कागज के टुकड़े के नीचे ले जाओ तो कागज के टुकड़े पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो यहां जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होता है, पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहां ये जो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होता है। तो यहां हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो किसी भी मटेरियल की एक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी, बेस प्रॉपर्टी है, और वो पॉजिटिव भी होती तो टाइप के चार्ज है तो इसको हम बोलते हैं चार्ज। इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। यहां से बच्चों मैं कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो जी और नीट, मतलब 12 साइंस को भी मैं कंसीडर करके ही रखूंगा जिससे आपका बेस बने जाए और ये कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे तो भी आप बच्चों समझ पाए। तो यहां बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो आप समझे इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, इंट्रेंसिक मतलब बेस प्रॉपर्टी, इससे आगे कुछ नहीं। सपोज मास है तो इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी, टाइम है तो इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी, इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो यहां इलेक्ट्रिक चार्ज है, देर आर टू टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। यहां चार्ज को हम डिनोटेट करते हैं कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से। पॉजिटिव चार्ज हम जनरली प्रोटॉन पर होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। अब इसकी वैल्यू क्या है, तो यहां इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम इसको लिखते हैं प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये सी मतलब कूलम, तो इसका यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। कूलम को मतलब सी लिखते हैं, सी मतलब बोलेंगे कूलम। अब आप कहेंगे कि कूलम क्यों,
तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है, जैसे मास है तो किलोग्राम है, टाइम है तो सेकंड है, उसी प्रकार इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है। तो ये प्लस होता है, अगर इलेक्ट्रॉन तो इतना ही होगा, पर माइनस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हुई, तो यहां से इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके से टाइप काम करते हैं। एक मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट में हो तो क्या होगा, और इलेक्ट्रिक चार्ज कॉन्स्टेंटली मोशन करे तो क्या होगा, तो वो बात बच्चों हम फिजिक्स के अंदर दो ब्रांचेस है और एक ब्रांचेस है, तो यहां इलेक्ट्रिक चार्ज पर डिपेंडेंट है। तो यहां मैं आपको बता देता हूं इलेक्ट्रिक चार्ज और यहां चार्ज पर दो चीजें डिपेंड करती हैं। एक, अगर चार्ज रेस्ट में है, अ ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच द चार्ज इन द रेस्ट, तो वी गेट द वन ब्रांच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टैटिक। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है बच्चों, तो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि हम स्केल को ड्राई हेयर के अंदर रबिंग करते, फिर कागज के टुकड़े के नजदीक ले जाओ तो उसको चिपक जाते। बच्चों आपने कई बार देखा होगा टेलीविजन की स्क्रीन के नजदीक आप अपनी उंगली ऐसे टच कराएंगे तो अर्थिंग आता है, मतलब स्पार्किंग होता है। कई बार बच्चों विंटर के अंदर आप कपड़े पहनते हैं वूल के, तो अंदर स्पार्किंग होता है, तो वो जो करंट प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स होता है। अगर ये चार्ज बच्चों कॉन्स्टेंटली मोशन करे तो, मूविंग हो तो अगर चार्ज मूव हो, मूविंग हो, तो हमें एक फिजिक्स की ब्रांच मिलेगी और जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यहां इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो हम 12th साइंस में पढ़ेंगे, पर इलेक्ट्रिसिटी क्या है तो यहां हम थोड़ी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है तो हम यहां बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी मींस क्या, अ ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ चार्ज, पर कैसा मोशन, कॉन्स्टेंट मोशन ऑफ चार्ज, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो अवर डे टू डे लाइफ, इन अवर होम, इन स्कूल, इन हॉस्पिटल, इन इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन, वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। मोबाइल के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो, हमारे घर के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी हमें पढ़नी है। और आज बच्चों हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई जगह पर 100 इन्वेंशन होती है तो उसमें से 90 इन्वेंशन इलेक्ट्रिसिटी होती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो दिस इज द ब्रिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस है, और यहां से इलेक्ट्रिक चार्ज में से इलेक्ट्रिसिटी बनी है। तो आज बच्चों आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इसी इलेक्ट्रिसिटी को हम अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर में बच्चों बारी बारी, इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर, और बच्चों लास्ट के चैप्टर के पार्ट के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर एंड हीटिंग इफेक्ट। तो इतनी चीजें इस चैप्टर के अंदर है और बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर बच्चों, और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ है। बच्चों फिजिक्स मतलब एक ऐसी चीज होती है कि जिसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो आपके आसपास होती है। मतलब फिजिक्स का मतलब बच्चों जनरली ऐसा ही होता है, नेचर सराउंडिंग अस, हमारे आसपास जितने भी चीजें होती है उसको हम फिजिक्स बोलते हैं। फैन घूम रहा है तो फिजिक्स है, लाइट की लाइट आ रही है वो फिजिक्स है। तो यहां बच्चों फिजिक्स की बात करेंगे, तो मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो पहले बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो यूज करते हैं वो सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी पर काम करते हैं। मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। अब फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं, तो पहला हम पॉइंट देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की मैं बात करता हूं, तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या, तो मैं वही चीज समझाने जा रहा हूं। तो यहां हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या, तो यहां आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि यहां पर एक मेरे पास कंडक्टिंग वायर है, कॉपर का वायर, मतलब मटेरियल, यह हम ऐसा भी बोल सकते हैं बच्चों मेटालिक वायर। अब ये मेटालिक वायर के अंदर होगा क्या, तो मेटालिक वायर के अंदर बच्चों अभी मैंने बताया कि एटम होते हैं, और इसके अंदर एटम यहां मोशन करते हैं, और यहां जो इलेक्ट्रिक ये वायर है कॉपर का, मैं वायर कंसीडर करूंगा कॉपर का वायर। अब यहां इसका एक छोटे छोटे ऐसे टुकड़े होंगे और इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, सेक्शन एरिया। अभी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन अंदर मोशन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो अंदर मोशन करेंगे
तो यहाँ से कितना पास हो गए एक सेकंड में, तो यहां से उसको बोलते हैं, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। पर ये करंट वर्ड कहां से, तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो यहां पर हम करंट को समझने से पहले तो डेफिनेशन रही, पर मुझे थोड़ा ज्यादा समझा रहे। तो फ्रेंड्स करंट का मतलब यहां होता है कि करंट होता क्या है, तो करंट का मतलब होता है फ्लो, टू फ्लो, इसको हम करंट बोलते हैं। मान लो आपने बच्चों देखा होगा फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, तो मैं इसको कह सकता हूं वाटर करंट। बच्चों आपने लिखा होगा वाटर करंट है, किसी रिवर का पानी जा रहा था, हम बोलते हैं कि वाटर करंट ज्यादा है या वाटर करंट कम है, ऐसा आप कह सकते हैं। बच्चों मैं कह सकता हूं फ्लो ऑफ एयर, तो आप कह सकते हैं एयर करंट, मतलब कई बार बच्चों हवा कम आती है तो हम बोलते हैं एयर करंट कम है, और कई बार ज्यादा आती है तो हम बोलते हैं एयर करंट ज्यादा है। अभी बच्चों ऐसा बोले फ्लो ऑफ पीपल, तो कई लोग बच्चों पीपल करंट वर्ड यूज करते हैं, और यहां फ्लो ऑफ व्हीकल बोले, कोई हाईवे पर जाए तो व्हीकल कहते हैं, तो हम बोलते हैं व्हीकल करंट, और कई लोग बच्चों व्हीकल करंट को बोलते हैं ट्रैफिक, तो अगर व्हीकल करंट ज्यादा तो हम बोलते हैं ट्रैफिक ज्यादा है। तो यहां बच्चों करंट का मतलब होता है फ्लो, तो यहां किसका फ्लो होगा, तो वैसे ही मैं बोलूं फ्लो ऑफ चार्ज इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों जनरली जिसमें चार्ज आता है तो चार्ज के लिए एक वर्ड यूज होता है इलेक्ट्रिक, मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट मतलब हम कह सकते हैं कि टाइम, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। इसकी और भी डेफिनेशन में लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। पर बच्चों आपकी बुक के अंदर ये डेफिनेशन दिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। तो यह आप ऐसा भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज पासिंग थ्रू थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब एक सेकंड में से यहां से कितना चार्ज पास होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल बात समझ देता हूं कि यहां पे ऐसा समझो कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकले और इसमें से 10 कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम है, तो 10 कूलम 2 सेकंड में पास हो जाते हैं या 5 सेकंड में पास हो जाते हैं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं तो इलेक्ट्रिक करंट आप कैसा लिख सकते हैं, तो 1 सेकंड में कितने पास हो गए, तो 10 सेकंड में 5 है तो आप ऐसा लिख सकते हैं 10/5, तो कितना आएगा 2, तो आप ऐसा कह सकते हैं 2 मतलब इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका फॉर्मूला क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट हम जानते हैं तो इस डिनोटेड बाय आई, और यहां इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से बताते हैं, तो मैं इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला ऐसा कुछ लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, चार्ज को हम क्यू बोलते हैं और रेट मतलब टी होता है टाइम। इसका यूनिट मुझे लिखना हो तो चार्ज मेजर इन कूलम एंड टाइम मेजर इन सेकंड, अदरवाइज आदरे मैरिन एम्पियर, तो इसकी याद में हम उसका यूनिट एम्पियर लिखते हैं। एम्पियर ने बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के अंदर बहुत सारे अपने जिंदगी के कई साल दे दिए हैं, और इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को बेटर समझाया हो तो एम्पियर ने समझाया था। और एम्पियर ने बच्चों कई बातें हम पढ़ेंगे आगे के स्टैंडर्ड के अंदर कि कई बार दो तार के बीच में रिएक्शन कैसा होता है, मतलब अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है, तो कई चीज़ें एम्पियर ने इसमें बताई है। और यह एम्पियर ने बच्चों करंट को भी मेजर किया था, इसलिए एम्पियर का कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक करंट के अंदर ज़्यादा, इसलिए उसको ए नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक करंट।
अब यहां इलेक्ट्रिक करंट मेजर कैसे करें? तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस आता है, तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं एमीटर, एमीटर, या कई लोग इसको बोलते हैं एमीटर। और एक दूसरा भी मीटर आता है जिसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। अभी एमीटर होता क्या है? तो एक्चुअली एमीटर आपको मैंने ऊपर स्क्रीन पर बताया है, एमीटर एक्चुअली ऐसा होता है, ऐसा, और बीच में ए लिखा होता है, तो जीरो से स्टार्ट होता है, ये अलग अलग टाइप का होता है। तो मान लो यहां से स्केल ए पर टू पर बता रहा है, तो हम बोलते हैं टू एम्पियर करंट पास हो रहा है अंदर से, ओके। अब यहां गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर यही होता है, ऐसा ही होता है, मैंने ऊपर फिगर में बताया, और ये बीच में जी लिखा होता है, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, और गैल्वेनोमीटर के अंदर बीच में जीरो होता है, फिर इस तरह वन टू पांच, यहां बच्चों वन टू, यहां से लेके फाइव तक, और ये बीच में होता है। अब ये गैल्वेनोमीटर और एमीटर में फर्क क्या है? तो गैल्वेनोमीटर इज द डिवाइस विच शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज अ सेंसिटिव डिवाइस। किसी भी चीज में से छोटा सा करंट भी पास होगा तो गैल्वेनोमीटर बताएगा, एमीटर इतना सेंसिटिव नहीं होता। और गैल्वेनोमीटर में थोड़े हम चेंज करें तो उसको एमीटर बनाया जाता है। तो मतलब पहले गैल्वेनोमीटर बनता है, फिर उसमें थोड़े चेंज करो, क्या चेंज करते हैं बाद में पढ़ेंगे, तो ये थोड़े चेंज इसके अंदर कर दे तो एमीटर बन जाता है। तो गैल्वेनोमीटर इज द सेंसिटिव डिवाइस विच डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के कुछ यूनिट हैं, मतलब हम देखते हैं कि वो कौन से होंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम जनरली एम्पियर कहते हैं, पर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मिली एम्पियर भी होता है, तो 10^-3 एम्पियर। इसके बाद 1 माइक्रो एम्पियर भी करंट यूज होता है, तो 10^-6 एम्पियर। ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो यह माइक्रो एम्पियर क्या है? तो इन आवर बॉडी द नर्वस सिस्टम क्रिएट द 1 माइक्रो एम्पियर। हमारी बॉडी के अंदर भी, नर्वस सिस्टम के अंदर भी 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस होता है, और वो 1 माइक्रो एम्पियर होता है। पर प्रैक्टिकल लाइफ के माइक्रो एम्पियर किसी काम करने होता है। हमारे घर के अंदर जो करंट आता है वो एम्पियर फॉर्म में होता है, और जनरली वो 1 एम्पियर से लेके 25 एम्पियर तक होता है। तो हमारे घर के अंदर अलग अलग जो डिवाइस है वो अलग अलग करंट का यूज करते हैं, वो हम इसी चैप्टर में बाद में देखेंगे, वो पावर के अंदर। अब ये आपको बच्चों बताए समझ है। अब बच्चों आपने देखा होगा मॉनसून के अंदर लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग के अंदर भी बच्चों इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और वो कितना होता है? तो वो 10,000 होता है, 10,000 एम्पियर होता है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं 10^4 एम्पियर, मतलब ये बहुत ही खतरनाक करंट होता है। तो तभी बच्चों आपने किसी पर लाइटनिंग गिरे किसी पेड़ पर, तो पेड़ बिजल जाता है, कोई मकान पर गिरे तो मकान डैमेज हो जाता है, ये घर की सारी चीजें डैमेज हो जाती है, और किसी इंसान पर गिरे तो इंसान मर जाता है, क्योंकि इतना पावरफुल करंट होता है। अब हमारी लैंग्वेज में समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली है क्या। तो इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, चार्ज की स्पीड है। तो चार्ज कितनी स्पीड में जाएगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगर 1 एम्पियर का करंट है तो चार्ज थोड़ा धीरे जाता होगा, पर 5 एम्पियर का करंट है तो चार्ज स्पीड में जाएगा। तो चार्ज की स्पीड को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो यह बच्चों आपको इलेक्ट्रिक करंट ये बातें समझ में आएगी। अब एक बात समझ लेते हैं कि कोई सर्किट में बनाता हूं, और सर्किट के अंदर हम देखें का एमीटर कैसे मेजर करता होगा। तो एमीटर को किस कंडीशन में लगाते हैं? तो यहाँ सर्किट के अंदर हम मानते हैं कि मेजर करना हो तो जनरली करंट हमें मेजर करना हो तो कैसे करते हैं, तो वो बात समझते हैं। तो जनरली हमारे घर के अंदर जो करंट होता है तो वो 1 एम्पियर से I इक्वल टू हमारे घर के अंदर जो करंट होता है 1 एम्पियर से लेके 25 एम्पियर भी होता है। वो मैं 2 फेज की बात कर रहा, 3 फेज में ज्यादा भी हो सकता है, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत इसमें चेंज हो सकता है। इसके बाद जो लाइटनिंग होती है उसके अंदर 10,000 एम्पियर करंट होता है, और हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर 1 माइक्रो एम्पियर करंट होता है। अब यहां से मैं एक बल्ब लगा देता हूं, और आपको समझाने के लिए ऐसा करता हूं, ये बल्ब का सिंबल है, और यहां मैंने एक बैटरी लगा दी है, चलो, और एक स्विच लगा दिया, और यहां मैं यही बात बता रहा हूं कि ये प्लस और ये माइनस। तो यहां से मैं स्विच को ऑन करता हूं तो बल्ब ऑन हो जाता है, तो करंट यहां से यू फ्लो होता है। तो हम ऐसा कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली तो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसके डायरेक्शन याद, क्योंकि डायरेक्शन बदलती रहती है। तो भी बच्चों हमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या लिखें, करंट की डायरेक्शन क्या होगी,
तो डायरेक्शन मुझे इलेक्ट्रिक करंट की फाइंड करनी हो तो पहले मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव की, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक किसने बताया हमें, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक अमेरिकन साइंटिस्ट था 17th century की बात है बच्चों। तो उसने हमें पहली बार इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताई। अब ये इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो होता है, उसने बताया कि पॉजिटिव में से करंट निकल के नेगेटिव में जाता है। अब मुझे बल्ब कितना करंट खाएगा, मतलब इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, तो इसके पास में एमीटर लगा देता हूँ। तो पास में लगाते हैं तो हम फिजिक्स में उसको बोलते हैं सीरीज, तो ऑलवेज एमीटर इन द सीरीज में लगाते हैं, तो ये सीरीज में पास में लगा देता हूँ, सीरीज में लगाते हैं। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या दी, पॉजिटिव नेगेटिव, ये 17th century में। इसके बाद 18th century में जे थॉमसन ने हमें बताया, जे थॉमसन, तो जे थॉमसन ने बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो वो किस तरह होगा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव में से निकल के पॉजिटिव में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो इस तरफ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, ये इस तरफ होती है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ऐसे बताया। तो उसने डायरेक्शन हमें बता दी इलेक्ट्रिक करंट की, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव बताई। अब यहां दो साइंटिस्ट थे, ये साइंटिस्ट मतलब 16th century के एंड से 17th century के लास्ट पार्ट तक बच्चों जिंदा रहे थे, 1719 में बच्चे एक्सपायर हो गए, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। अब जे थॉमसन ने ये जो बात बताई वो 18th century बताई, जब ये मरा तब ये जन्म लिया, और जे थॉमसन ये बात बताई तो इन दोनों के बीच में करीब 50-60 साल की गैप थी। तो लोग बच्चों पहले से तो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मान लिए थे, अब फिर उसने ये बताया, तो यहां उसने साइंटिस्टों ने बहुत सोच समझ कर दोनों को सही लगे ऐसा किया, जो पहले पढ़े वो भी सही और बाद में पढ़े वो भी सही। तो उन्होंने सिर्फ इतना किया कि जो आप करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हो तो उसको नाम दे दिया कन्वेंशनल करंट। और ये जे थॉमसन ने बताई तो वो बताई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां दोनों सही है, अगर आपको करंट की डायरेक्शन लेनी है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव लेंगे, पर आपको इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन लेनी है तो नेगेटिव में से बाहर निकलेगा और पॉजिटिव में जाएगा, मतलब नेगेटिव टू क्या होगी पॉजिटिव, मतलब दोनों का मान रह गया। तो यहां बच्चों इलेक्ट्रिक करंट को आप समझे, इलेक्ट्रिक करंट बच्चों कुछ नहीं है पर चार्ज की जो स्पीड है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट बच्चों डेंजर भी होता है। और ये इसका बच्चों ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की जो स्पीड होती है, अगर ज्यादा हो तो ज्यादा करंट होगा और कम हो तो ज्यादा कम करंट कम होगा। आप मोबाइल की पिन को हार्ड टच लगा सकते हैं क्योंकि इस पे करंट मिली एम्पियर में होता है, पर आप बच्चों हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके सॉकेट को किसी लाइव वायर को टच करो हैवी लाइट के तो तुरंत बच्चों आपको झटका मारेगा, तो वो इसमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों आप जानते हैं स्पीड खतरनाक होती है, तो स्पीड इज द डेंजरस फॉर अस, वो इलेक्ट्रॉन की हो या व्हीकल की हो स्पीड बच्चों ऑलवेज खतरनाक ही होती है, उससे संभल के रहना चाहिए। तो यहाँ बच्चों हम इलेक्ट्रिसिटी की बात की, अब उसके थोड़े एग्जांपल हम बात करते हैं। और यहाँ बच्चों बुक के अंदर एक एग्जांपल दिया है और जिसका एग्जांपल नंबर 2.1 में एग्जांपल समझा, एग्जाम्पल 2.1, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ द 10 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो यह फिर समय दिया है कि करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर, मतलब आप जानते बच्चों इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है, तो आप तुरंत समझ आएंगे करंट दिया है। अब ये मिनट किसका यूनिट रहा, टाइम, तो टाइम मतलब बल्ब में से 10 मिनट तक करंट फ्लो होता है, ऑलवेज टाइम मेजर इन द सेकंड, तो मतलब एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 10 में कितनी होगी, तो टी इक्वल हम लिख सकते हैं 600 सेकंड आएगी। अब मुझे फाइंड करना है कि चार्ज कितना होगा, तो हमने फॉर्मूला इसका पढ़ा था I = Q/T, तो मुझे Q फाइंड करना है, तो Q हमें फाइंड करना हो तो Q को IT को मैं हिला देता हूँ, तो Q = क्या आएगा IT, और यहाँ Q = I की वैल्यू 0.5 × कितना होगा 600, तो Q = हम इसका आंसर ला सकते हैं।
तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ ये 300 कूलम। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा आंसर आए 300 कूलम। या बच्चों इसका यूनिट आपको लिखना जरूरी है बच्चों। और हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर तीन छोटे छोटे क्वेश्चन दिए, तो वो भी हम समझ लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर तीन छोटे क्वेश्चन दिए, तो वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मुझे दिया है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट का मीनिंग क्या है। तो ये बच्चों हमें दिया है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, अ कंटिन्यूस एन क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब जिसके अंदर क्लोज पाथ हो, ऐसा एक बल्ब लगाया हो और इसके साथ हमने बैटरी लगाई हो और स्विच लगाई हो, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज सर्किट। दूसरा हमें क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब द यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट। तो करंट का यूनिट क्या है, तो हम बोलते हैं 1 एम्पियर। तो आई इक्वल मैंने फॉर्मूला लिखा था क्यू बाय टी। तो आई इक्वल अगर मैं क्यू की जगह 1 कूलम ले लूँ, टाइम की जगह 1 सेकंड ले लूँ, तो आंसर हमारा क्या आएगा, तो 1 एम्पियर होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इफ 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। अगर 2 कूलम पास होता है तो 2 एम्पियर, 3 कूलम पास होता है 3 एम्पियर होता है। और यहाँ बच्चों एक बात समझो, कि ये मैं क्रॉस सेक्शन एरिया का लेता हूँ, तो ये कंडक्टिंग वायर है और एक कंडक्टिंग वायर के अंदर ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और इसी को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो किसी एक क्रॉस सेक्शन में से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए पास होता है तो हम बोलते हैं 1 एम्पियर। अगर 2 कूलम 1 सेकंड के लिए पास होता है तो 2 एम्पियर, 3 कूलम 1 सेकंड में से पास होता है तो 3 कूलम। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट 1 कूलम ऑफ चार्ज। बच्चों मुझे फाइंड करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फाइंड, तीसरा क्वेश्चन है, सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। 1 कूलम अगर मैंने अभी बताया कि 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि ई जो हमारा है ऐसा है कि 1 इलेक्ट्रॉन हो तो हम बोलते थे 1.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन, मतलब कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, हमें ऐसा कुछ लिखते थे, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ऐसे, अगला इलेक्ट्रॉन हो तो नेगेटिव लिखते थे। अब मैं इसको उल्टा कर दूं, मुझे इलेक्ट्रॉन फाइंड करना था, आप ऐसा लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। तो देयर फॉर 1 कूलम इज इक्वल टू ब्लैंक। अब बच्चों ऐसा पढ़े थे कि कूलम है तो नीचे कूलम आना चाहिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन तो हमें, अगर इतना चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम है तो कितना, तो आप बच्चों इसका सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये ऊपर जाएगा 1 और नीचे आएगा 1.6 × 10⁻¹⁹। अब इसका आप आंसर दे दो, तो इसका पॉइंट मैं निकालूँ तो ऊपर 10 लिख सकते हैं तो 16, और ये ऊपर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा ना, −19 प्लस होगा, इसका आंसर आएगा 0.625 और ये 10⁻¹⁹। इसमें से 1 जीरो इसको दे देता हूँ, तो 0.25 × 10⁻¹⁹ इतना होगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपको पूछा 2 कूलम में कितने होंगे, तो 1 कूलम में इतना है मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 3 कूलम में कितना है मल्टीप्लाई 3 कर दो, या यहाँ भी 2 लिखो तो भी चलेगा। और एक और बात बता दो, इसको और गिनना हो और अलग तरीके से तो भी गिन सकते हैं। तो बच्चों यहाँ एक फॉर्मूला है Q=NA, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ आपको एन फाइंड करना है तो आप क्यू अपॉन ई लिख सकते हैं, Q
क्योंकि वैल्यू आप लिखेंगे 1 कूलम और E मतलब आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। देखो यही का यही आ गए आगे तो भी बच्चों आप इसका आंसर भी ला सकते हैं, तो इसका आंसर भी यही आएगा। तो इस मेथड से भी आप इसका आंसर ला सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला है ठीक है, चार्ज फाइंड करेंगे। तो यहाँ बच्चों आप एक कूलम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और आप बच्चों जानते हैं कितने सारे, बहुत सारे। तो यह बच्चों अरबों के अंदर ये संख्या स्ट्रेंथ है, नंबर है। तो यहाँ एक कूलम के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल इन यूनिवर्स। आज के बच्चों यूनिवर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है सबसे लाइट पार्टिकल है और इतने सारे इलेक्ट्रॉन किसी क्रॉस सेक्शन में से, मतलब इसमें से पास होता है किसी क्रॉस सेक्शन में से एक सेकंड में, तब इसको बोलते हैं वन कूलम। मतलब वन कूलम मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके बस, तो यह बच्चों ये हमारा आज के चैप्टर की यही से बच्चों था। अब मैं बच्चों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ये सीरीज को बच्चों देखते लिए मैंने सारे चैप्टर को बच्चों कुछ वीडियो बनाकर पूरा चैप्टर, आप एक बार बच्चों अच्छी तरह ये सारे वीडियो देखेंगे तो आपको ये चैप्टर परफेक्ट आ जाएगा। ओके बैंस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।